न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के खास डोगरी कार्यक्रम तुहाड़ा परतिया स्वागत है और अज सांबा जिले के सब डिवीजन जल शक्ति विभाग के कार्यालय के खड़ोते करते हैं और गल करते हैं गर्मी की। तो गर्मियां जिहड़ियां पौना शुरू हो गई और लोगों की पानी की समस्या जिहड़ी है वो आना शुरू हुई है। हालांकि विभाग तो बड़े दावे करा करता कि अस पूरी तैयारी की है गर्मी में लोगों की पानी फराहम करने, लेकिन अगर गल करते जमीनी सतावट लोगों की बड़ी दिक्कत आवा करती है। तुम दिखा करते हो साढ़े कन्ने बड़े सारे लोग बने ये सांबा इलाके के बख बख ग्राएं के लोग जिहड़े वो अज इस कार्यालय में पुजी है जी पुजी है तो प्रोटेस्ट करा करते मंग करा करते हैं कि सानू जो पानी है वो दिता जाए। साढ़े कन्ने महिलाएं बनी हैं इन्हें कन्ने अस गल करने के ना थोड़ा जी बबेगा किन्नी परेशानी आवा दी है पानी की। बड़ी परेशानी निके निके बच्चे स्कूल भेजने कियां भेजने पानी नहीं होता पीने ही नहीं पानी बोतल चुकी कुछ जाना उन्हें पानी की बहुत परेशानी है। एक हैंड पंप चाहिए एक पाइपा लाई उड़ो पानी पानी की परेशानी है और कोई नहीं बड़ी परेशानी है। गर्मी आ रही है कुत्थू पीए पानी मोटर लिया पीते कुछ पीना है नी पानी कुछ मोटर लाइया ढोई ढोई ढूकदा नी गर्मी अपने तो है नी कोई मोटर नी कोई कुछ नी आहो मजबूर हो दफ्तर बड़े मजबूर हो फिर आए आहो इन गर्मी कौन आंदा हा बड़े मजबूर हो इत पुजे पानी की मांग है पानी की मांग है। एक हैंड पंप चाहिए पानी पैपा भी लानी चाहिए ट्यूबवैल भी बने पैपा लाइया नी चार साल हो गए हम लाने कल लाने परसों लाने लाइया नी हाँ कुछ इन्होंने पैपा लाइया दिखा पानी बगैर मजबूर हो गए। मसला है थोड़ा चक मंगा गुजरा मसीत को जगह जगह पैपा टूटिया कोई दिखता ही नहीं मौके पर आने किन्नी बार डीसी दफ्तर भी गए इतने भी आए कोई जाता ही नहीं मौके पर दिखता ही नहीं जाके है सानू देखो जाके अस पानी किया लिया दे सानू बड़ी परेशानी है बच्चे भेजने होंगे स्कूल कितू आए नवाली तवाली आने किन्ने घर ने जुने परेशानी आवा करदी साढ़े 10-15 घर ही है जेड़े बाकी आले मोटर आए दा कोई उत्थे जाके पानी आप 15-20 इन्ने घर है ना साढ़े की जांदे तुसी अस चाहने के सानू घर का सप्लाई मिले किन्ना का पानी ढोना है लोके घर किन्ने के वरी जाइए कोई एक वरी देगा दो वरी देगा ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਦੇ ਆ ਅਸ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ बने देना इन्हें कन्ने अस गल करने किन्नी कि ग्रां के लोग जोड़े ने एक किट्ठे हुई अज इतने पुजे और किन्ने चिर दिन कि पानी की दिक्कत आवा करती पहले ये सवाल है मेरा। देखो जी ये साढ़े सुंब ब्लाक के माला पंगवाल के ग्रां के लोग न बार्डर ब्लाक के स्टाला कैंप के लोग न चकमंगा गुजर के लोग न कैली मंडी के बजुर्ग म्यूनसीपैलिटी के साढ़े कन्ने आए दिन ये सारी समस्या जी है पूरे सांबा की है। प्रधानमंत्री जी दिखा दौ तुस अपने लोगों की तुस विश्व गुरु बनने जा दे हो ते लोग इत्थे तरियाए दे मरा देन एलजी साहब दिखा दे हो साढ़े लोकें की तुस शराबा दी दुकाना दे जा दे हो ते सानू पानी ही नहीं मिला दा। आखिरकार जेड़े बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाए हे जेड़े ब्लॉक दिवस चलाए हे जेड़े आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम चलाए हे एक अखें दे विच जेड़ी तुसें मिट्टी सुट्टी ही लोकें बेवकूफ बनाया उंदे प्रोग्रामे थ्रू जिल्लै साढ़े ब्लॉक दिवस होए साढ़े बैक टू विलेज प्रोग्राम होए हूँ एक बड़ी बड़ी एल जी साहब ने ग्राम सभा लवाई जिसी स्पैशल ग्राम सभा आख्या गया उस ग्राम सभा के पंचायतें टर्न काक बंदे जोड़े हे उन्हें भेजा कि जाइए लोगों की समस्या सुनो जिन्हें सीधे हत्थ खड़े करी ओड़े उदे बाद साढ़े विजिटिंग अफसर ने इन्हें जेई की फोन किया तो इंदा इंस्पैक्टर जोड़ा है वह भी आया जिदा आखना हाँ कि सांबे 12 लख गैलन जी है पानी की रोजा की सप्लाई चाहिए साढ़े को 2 लख 25 हज़ार गैलन जी है सप्लाई होआ दी ते 2 लख ते 12 लख रुपए के बीच 12 लख के बीच बड़ा बड़ा अंतर है जिहड़ा कदी पूरा नहीं हो सकता। एल जी साहब शराबा पिलाओ ते जां फिर जहर दे उड़ो अस लोग मरी जाचे ये मावां ये बजुर्ग जिहड़ियां साड़ियां बुढ़ियां माता आई दियां ये बजुर्ग जिहड़े नौजवान साढ़े कन्ने आए दे इंदे लोगों का के कसूर है कि ये भारत देश दे विच रोआ दे इन्नी खस्ता हालत साढ़े प्रधानमंत्री ने देश की करी ओड़ी कि सानू पानी मंगने ताईं इत्थे शिगल दोपहर दोपहर दफ्तर खड़ोइए नारे लाने पवा दे
जिसलै दफ्तरें दे विच आने है एक भी अफसर सानू दफ्तर विच नहीं मिला दा। एल जी साहब अगर तुहाडा वादा प्रधानमंत्री दा हर घर जल ते हर घर नल देने दा पूरा नहीं होआ दा, अगर साढ़े एक्सीएन साहब ते ए अफसर झूठ बोला दे कि एल जी साहब सानू फंड नहीं दिया दे ते कल गए नहीं सस्पेंड करो, मैं एल जी साहब तक अपनी गुहार अपनी आवाज़ इन गरीब लोगों की आवाज़ जी पहुँचाना चाहना। अस इन्हेंगी त्रियाए दे मरना नहीं दिखना चाहते, इस वास्ते साड़ा इलाज किया जाए। पहले तुसे आख्या कि बड़ी बड़ी स्कीम जल शक्ति मिशन से किड़े किड़े लाए, साढ़े ऐड पंप कढ़ना बंद करी ओड़े, ऐड पंप कढ़ना बंद किए, जेडे खराब हो उन्हें रिपेयर करना बंद किया, तो हूँ पानी की सप्लाई भी बंद करी ओड़ी। इं त्रियाए दे नहीं मारो, जहरा की पूड़ी दो तो मारी ओड़ो ताकि थोड़े आला टेंटा गै मुकी जाए, लोगों को लेइए गरीबी खत्म नहीं करनी, गरीब गै खत्म करी ओड़ो। अगर अगर तुस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पूछिए अगर जल्दी गै मसला हल नहीं होना तो बाद थोड़ा क्या एक्शन लो? साढ़े को इको एक्शन है कि असें इतों एक पैदल यात्रा जी है एल जी दरबार तक जम्मू लेनी है, और सारा सांबा इसलै त्रास त्रास करा दा पानी के वजह नाल, और अस एक पैदल यात्रा जी पहले भी कुछ गरीब लोगों तीन निकली ही तो थोड़ा बहुत हल होया। तो एक होर है क्योंकि विभाग तो मना देनी, वह आखा दे एल जी पैसे गै नहीं दिया, तो अस सीधे एल जी को जम्मू पैसे लैन जड़े न सारे जने कट्ठे होइए जागे ताकि एल जी साहब दी जेडे कानन उन्दे तकर साढ़े गरीबें की साड़ी आम जनता की इंदी बजुर्ग माता भैने की आवाज़ पुजे कि लोग किन्ने परेशान होए दे एल जी मनोज सिन्हा दे राज दे विच जम्मू कश्मीर च। बिल्कुल लोगों की बड़ी परेशानी आवा करती, खासकर अगर गल करचै पानी के लिए, और बख बख ग्राएं दे लोग आज जेड़े कि जल शक्ति विभाग के कार्यालय में पुजे ना और मंग करा करते हैं कि पिछले कई दिनों की अगर गल करचै तो ग्रां दे विच जेड़ी सप्लाई जेड़ी वो नहीं आवा करती और लोगों की पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जेड़ी वो आवा करती, और इन्हें भी गलाया कि अगर विभाग की बखी का जल्द कोई कदम नहीं चुके गए तो आने वाले दिनों के जरा कि सांबा शहर के लोग और कन्नै गै बख बख ग्राएं दे लोग जेड़ा एक बड़ा प्रोटेस्ट जरा है वो इतने करेंगे। हूँ दिखने वाली एक गल है कि जल शक्ति विभाग किन्नी तौले और किन्नी जल्दी उचित कदम चुकी है इन्हें लोगों तक पुजदा और लोगों की पानी की सप्लाई जी कि जल्दी दिंदा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं शाम सुंदर। ग्राउंड रिपोर्ट तुंदा स्वागत है, अज अं पुजे रहे हैं गाडीगढ़ वार्ड नंबर 73 ते इत्थे जिहड़ा स्थानीय लोगों की और दुकानदारों की जी काफ़ी दिक्कत पेश आए करती है। अगर गल की जाए तो रोड के बीचों बीच जिहड़ा एक खड्डा बने रहा जिस होर जिहड़ा कोई ध्यान जिहड़ा नहीं दिता जाए करता, साफ तौर पर अगर लोगों का आखना कि काफ़ी बार जो म्यूनसीपल कारपोरेशन भी इस बारे दसया गया है कि जो खड्डा ये उपर जाते कोई जंगला लाया जाए जाते उपर कोई स्लैब जी पाई जाए ताकि जेडे आए दिन इतने हादसे जो पेश होते हैं उस तो जोगों की बचाया जा सके पर जोड़ा म्यूनसीपल कारपोरेशन है वह भी इस और जो कोई ध्यान नहीं दे करता, आए दिन इतने जोड़े है हादसे होते हैं। अगर गल की जाए कल ही जी एक सब्जी की रेहड़ी जी हादसे का शिकार हुई और सारे जी सब्जी ही वो जी है नाली भी डिगी गई और काफ़ी नुकसान जरा उस सब्जी वाले का होया। इस पर साढ़े कन्नै कुछ स्थानीय लोग हैं उन्होंने गलबात करते हैं कि परेशानी है। अगर जी सब तुम पहले पीतंबर शर्मा पीतंबर जी के कहना चाहोगे जिस तरह ये नाली दे, रोड के बीचों बीच खड्डा जाकर बने रहा के हादसे पेश आएगा? देखिए कल एक गरीब आदमी जो एक एक दो दो रुपये के नींबू सब्जी बेचकर अपना घर गुजारा कर रहा है, कल उसकी रेहड़ी यहाँ पे पलट गई। एक इतना बड़ा ये हादसा कोई प्रशासन देख रहा है, ये कहता है कि माननीय पार्षद जी से हम ये कहना चाहेंगे कि आपने यहाँ से चुनाव लड़ा हुआ है, आपने लोगों को यहाँ से वोट लिया हुआ है, वोट दिया हुआ है लोगों ने, तो इसकी देखरेख इस जनता का ख्याल कौन रखेगा। रात को एक मोटरसाइकिल नीचे गिर गया, वो शुक्र यह था कि दोनों लड़के बैठे हुए थे, अगर कोई बुजुर्ग होता लेडीज होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आपके माध्यम से मेरी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये निवेदन है, माननीय मेयर साहब से पार्षद साहब से कि आप कभी ना कभी आइए, आपकी भी आरती उतारेंगे, कहीं आप भी देखिए इस वार्ड में, ये मेरी वार्ड है, इस वार्ड में लोगों को क्या परेशानी आ रही है, अगर जाने अनजाने में कोई बड़ा हादसा हो गया तो हम पूरे इन पार्षद का तकरीबन सभी लोगों की ओर से एक बड़ा घेराव करेंगे ताकि वो वहाँ तो आते नहीं है, 5 साल तो हो गए वो वहाँ पे आते नहीं है, तो बिल्कुल ही उनको यहाँ आने नहीं देंगे। ये साफ तौर पर कुछ लोगों ने यू आखना कि जड़ा खड्डा रोड के बीचों बीच बने रहा आए दिन इतने जो हादसे पेश आए करते हैं जिदे कारण काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं और कुछ और लोग उनके कन्ने भी गल कर सर के ना तुहाडा नरेंद्र सिंह नरेंद्र जी के कहना चाहोगे जिस तरह ये जी खड्डा इतने कई एक्सीडेंट होंगे तो कोई बच्चे कोई बुढ़े गिरते दिखते रात का टाइम आते डिगते कोई दिखता नहीं नुकसान हो नुकसान के मतलब आखना चाहोगे कि
ऐसा करना चाहिए जिसके कारण जा पुली बना पुली बना थोड़ी थोड़ा ही जगह ते जा कोई ऊपर लोहे का बना के रख ता बच सकता नहीं इतने नहीं बच सकते कारपेटर दसिया इस बारे की कुछ लोग आखना की लंबे समय तू जी पुली जी टूटी रही है और जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है कोई ध्यान नहीं दिया करता और अज जे लोग इकट्ठे हुए हैं इनका साफ तौर तू इो आखना कि असी म्युनिसिपल कारपोरेशन की बार बार दसिया भी है कि आए दिन इतिहास ये होंगे लोग जख्मी होंगे कम से कम इस पुली उपर जा स्लैब पाई जाए या तो जो जंगला लाया जाए। न्यूज 18 नेटवर्क लिए आर एस पुरा तू देश सुधर न्यूज 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें सनाइड से किसी सारी टीम जी ब्लाक कठुआ के अंदर पौधे ग्रां सहार के पुजी है। मैं तस्वीरें तुम्हें दसना चाह कि एक रोड तुम दिखा करते हो जो सहारे कोला लेइया तो यह रोड जोड़ा है उत्तरी तक जाना है और तुम सनाइड कि लगभग 1.5 किलोमीटर का यह रोड है और बड़ी लंबी अरसे की डिमांड जी अस आखी सकते कि आज़ादी को पहले की डिमांड जी है चला करती है और तस्वीरें तुम दिखा करते हो कि इलाके के नुमाइंदे सरपंच पंच जोड़े इधर के स्थानीय साढ़े खड़ोते हैं इन्हें पूछने कि किन्नी लंबी डिमांड ही और इस इलाके की डिवेलपमेंट इस रस्ते का किन्ना अहम रोल होना है। जी सर मेरा नाम विकास उपाध्याय मैं नायब सरपंच है इस ग्रां का सहार ग्रां का ते साड़ी बड़ी पुरानी डिमांड ही यदि पहले छोटी जी गली ही बड़े बारी अप्रोच की डिपार्टमेंट की कि हूँ साड़ी लोगों की सुनवाई हुई है हूँ इस रोड का 2,77,00,000 रुपया जोड़ा वो सेंक्शन होया अलाटमेंट हुई है कॉन्ट्रैक्टर की तो इन्हें मंडे की अज यदा इनागुरेशन जी है साढ़े DDC वाइस चेयरमैन रघुनंदन बबलू होरें की है तो इस रोड का जोड़ा साढ़े सार की लगेट ये कन्नै एडजाइनिंग साढ़े ग्रां है पंचायत लगेट की बेनीफिट है इन फिर लास्ट उत्तरी की टच करना जो सा मेन रोड जो सार टू सार लगेट उत्तरी की जाता है ये कन्नै एक सर्कुलर रोड साढ़ा एक ऑप्शनल हुई है तो सानू लोग इधर बेचारे जाने की दिक्कत होती कोई स्कूटर मोटरसाइकिल गड्डियां लिए रखी दी लोकें मगर यह कि हूँ सानू इस रोड का बड़ा बेनीफिट होया कि हूँ लोग आराम करने अपनी गड्डी लिए जाई सकते हैं तो साढ़े 3 ग्रां जड़े ने 3 पंचायत ये बिल्कुल कन्नै जुड़ी हुई हैं। ये रोड साढ़ा चंडिका माता जो साढ़ा रोड है वो कन्नै टच करने हैं चंडिका माता रोड टू उत्तरी बिल्कुल विकास हो रहे हैं भी आख्या कि गति कुदा विकास ही कुदा ना कुदा इन्दे इलाके च मिलनी है और स्थानीय सरपंच जो साढ़े कन्नै जुड़ा करते इन्हें ही पूछने हैं। जी धन्यवाद मैं सरपंच राजा राम सिंह पंचायत लुगेट से अज बड़ी खुशी वाली गल है कि 2,77,00,000 की लागत का जो रोड जो सू मिले है जो सार पंचायत को और उत्तरी टच करना और काफ़ी जरा एरिया लगेट का भी आवा करता जो छोटे छोटे 2 लिंक रोड भी रखे देन वह भी लगेट की टच करा देन और लोगों का काफ़ी फायदा मिलना है। ये कहना जो साढ़े फार्मर्स खास करिए फार्मर्स की बहुत ज़्यादा फायदा मिलना क्योंकि नीचे सारी इंडस्ट्री आई है सीकॉफ है प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कहना जी बाकी लैंड बची थी जिते साढ़ा ट्रैक्टर नहीं जा करता हा जा साढ़े बाकी लोगों रेजिडेंशियल मकान बनाने वास्तव बड़ी दिक्कत आवा करती वो मकान भी जो लोग उत्थे बना गए जी डिमांड ही लगभग 1947 दी और इहदे वजह नाल कुछ घर जिहड़े माइग्रेट भी होए दे हे जिहड़े कि रोड पर चली गए हे तो अज असें कि यह बड़ी खुशी वाली गल है कि असें इन्नी बड़ी अमाउंट जी 2,77,00,000 की अमाउंट जी है ये सानू मिली है और साढ़े जिहड़े इस बरनोटी ब्लाक जिहड़ा कनैक्टिविटी मिलनी है और सारे लोगों की मैं अपने स्थानीय लोगों की सहार लगेट के लोगों की मैं मुबारकबाद दिना और विशेष करियै ये जिहड़े साढ़े अज रघुनंदन होर आए थे जिन्हें उद्घाटन किया उन्हें भी धन्यवाद करना कि उन्होंने अपना समय कढ़िया और साढ़े कोल आए दिन जी तुम आखा रहे हो फायदे की गल है भरपूर फायदा है लोगों की इस रोड का क्योंकि फार्मर्स ये कन्नै जुड़े दिन ये कन्नै आम व्यक्ति जुड़ता ये कन्नै जी सारियां हैवी व्हीकल्स जड़िया जड़िया बड़ी साड़ी कंजस्टेड रोड्स न उस रोड की फायदा मिलना क्योंकि काफ़ी खुली रोड बननी है और लोगों के भी अपील करने मीडिया के माध्यम कहना कि लोग इतने सपोर्ट कर कंट्रीब्यूट कर धन्यवाद। जहाँ इतिहासिक माता मंदिर भी इतना पाँदा है बारहों टूरिस्ट भी आता है कि लगता कि उन्हें टूरिस्ट की कितनी सुविधा ज्यादा होनी है इस रोड के बनने के। हाँ बिल्कुल सर जो बड़ा सवाल बड़ा अहम सवाल है थोड़ा क्योंकि शेर माता चंडिका माता का मंदिर जो बहुत ही हिस्टोरिकल है बहुत पुराना है तो ये काफ़ी सारे बरवाल के लोग उत्तरी के लोग लगेट के लोग इस मंदिर के उपर आस्था रखते हैं और सारे लोग इतने अक्सर आते हर नवरात्र की 9 दिन नवरात्र और 9 दिन साल के 18 दिन नवरात्र जितने जग होंगे धामा होंगे और कन्नै लोगों को फायदा मिलना है क्योंकि इतने आने जाने का पहले तो 1 करोड़ बनया PMGC भाई बिल 1 करोड़ जो और लिंक करी है जो काफ़ी सारे ग्रां की लिंक करता है शरदालू जो उन्हें भी ज्यादा इतना काफ़ी रश पोग भी
स्थानीय सरपंच राज राम होर इन्हें भी गलाया कि कुतै ना कुतै डिवेलपमेंट का नया दौर जो इन इलाके शुरू हुई है। जिन्हें सुनाया कि नवरात्रे झूला होंगे ने तो बड़ी बारी तादाद जेहड़े श्रद्धालु इतने पुजते हैं, कुतै ना कुतै जाम लगी जाता, उस स्थिति बनी जाती है। लेकिन हूँ एक डाइवर्शन दूआ रोड जो सब्सटीट्यूट रोड जो तैयार होआ दा उसकी वजह कन्नै जो उन्हें भी कुतै ना कुतै राहत पुजनी है। इतों के पंच ने वो भी साढ़े कन्नै। हाँ जी, मैं हरनाम सिंह, मैं वार्ड नंबर 6 का पंच है तो सारा रहने वाला इतों इधर रहने वाला मेरी पंचायत है सार। जिहड़ा ये रोड है ना, इहदा बड़ा फायदा होया। इस रोड का यह फायदा होया कि साढ़े कन्नै उत्तरी भी जुड़ी गई तो लगेट भी जुड़ी है तो सार पंचायत ने सारे जुड़ी है। तो दूआ जिहड़ा है ये बड़ा शार्ट जिहड़े घर पहले जिहड़ा रोड हा वह थल्ले हा गलियों में आने पौंदा हा घरे रोड जिहड़ा बिल्कुल घरे विच निकलन लगा। हुण बिल्कुल शार्ट हुई है, 3 किलोमीटर का रस्ता भी नहीं है माता मंदिर। हुण सारे लोगों के इस रोड का बड़ा फायदा उठाना है। ये रोड जिहड़ा बड़ा बड़ा कीमती रोड है जिहड़ा सानूं मिलिया है। जय हिंद जय भारत। इन्हें भी खुशी जाहिर की इन्हें भी आके बड़ी लंबी डिमांड जी चला करती है पूरी एक ग्रां के होर निवासी साढ़े कन्नै जुड़ा करते इन्हें पुछ। ये रोड बलिया जरा सार पंचायत कनैक्ट करे दा उत्तरी पंचायत की ब्लाक कठुआ ब्लाक बनोटी ही कनैक्ट करे दा। और ये बिल्कुल ग्रां के आउटसाइड मतलब कि अडजाइनिंग बार बार जाए दा इहदे कन्नै ग्रां की बहुत ज़्यादा बेनीफिट होना और लोगों की जमीन भी बड़ा बेनीफिट होना। लोगों फार्मर की आने जाने वास्ते उनका फसल लेने वास्ते लियाने वास्ते बहुत ज़्यादा बेनीफिट होना है। तो बस और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की जी पहल है रोडों की यदा अं गौरमेंट का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने तो सारे लोगों वास्ते बहुत ज़्यादा कुछ ये बड़ी बड़ी वही एक अचीवमेंट है। बहुत वही अचीवमेंट है। इन्हें भी गलाया कि काफ़ी फायदा इन्हें मिलना एक साथी और जुड़ा करते इन्हें पूछना जी। सर मैं पंच मोहन कुमार। इस रोड कन्नै सारे ग्रां की फायदा होआ है, जानि एक ग्रां नहीं 3-4 ग्रां की फायदा होआ है। जेड़े इतने साढ़े सिरकोटला माता मंदिर है जो 3-10 किलोमीटर फेरी आते हैं और समझे 1.5-2 किलोमीटर इन्हें पैना रहना है। और इस रोड कन्नै सारे लोग इन्ना बेनीफिट होता है। असी छोटे छोटे इजला रोड दिखा रोड क्या है नहीं बिल्कुल नहीं ही, लेकिन अज 47 के बाद 75 साल के बाद जो रोड लोगों थोया है खुशी मिठाई वंडिया की है। लोगों सारा इन्नी खुशी हुई है कद को ज्यादा तो अं लोग सरकार के अपील करने के इजला अच्छे काम करते रहन। न्यूज 18 का बड़ा बड़ा शुक्रिया जो लोगों तक तुम अपनी सारी समस्या पजाने धन्यवाद। बिल्कुल इन्हें भी खुशी जाहिर की स्थानीय पंच है और सारे लोगों नुमाइंद साढ़े कन्नै गल की उन्हें क्या कि अहम जरा रोल है इस रोड का रोना इनकी जिंदगी चोर। अस बड़े सारे ग्रां जो दिखे जो तरक्की को महरूम ने लेकिन अज ग्रां के लोगों बड़ी मिठाइया बड़ी खुशी मनाई और इन्हें भी आखिया कि आजादी के बाद जो इन्हें यह रोड मिले और बड़ी खुशी इन्हें जाहिर की उन्हें आखिया कि तरक्की जी इलाके की कुछ डिवेलपमेंट का जो नवा दौर इस रोड के बनने कहना शुरू हो जाना है। और इन्हें सरकार अगर मंग रखी है कि जो और भी बचे दे काम ने इलाके उन पर भी सरकार कुछ नज़रसानी करे ता कि ग्रां जे शहरों को भी जो अच्छे बनी जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कठुआ तो चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। तो अज अस तुसें दी जम्मू कश्मीर के अखनूर सैक्टर के 0 लाइन बॉर्डर पर ले आए हैं। मैं तुम्हें दस जुड़ा यह पंचायत सामू पंचायत है। इतने कुछ लोगों की राशन कार्ड के लिए परेशानियां आ रही साढ़े कन्न इधर के सरपंच जुड़े ना उनके कन्न गल करके और मैम की परेशानियां आवे तुम्हें राशन कार्ड के लिए। सुनील भैया पहले तो मैं तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद करनी है कि तुम साढ़े 0 पॉइंट के लोगों बच्चे आए और साड़ी राशन कार्ड की समस्या सुनने आए हो। साढ़े 99 के बाद साढ़े राशन कार्ड नहीं वाइब्रेट हो क्योंकि एक एक राशन कार्ड उपर भी साढ़े 4-4 कुंभे न जो कन्नै कि घर एक मुलाजम है तो वह BPL नहीं उसी मिली सकता है। उसी कोई भी स्कीम नहीं मिली सकती है। कोई भी अगर स्कीम लैनी हो ALC गै जियां लैना होवे उहदे च साढ़े इनकम दिखी जाती है तो उहदे च की होंदा कि अगर 4 मैंबर उस राशन कार्ड से 4 कुंभे चला दे तो उनकी झोने की इनकम देखी जाती है नोट की जाती है तो वो वजह करना ही ALC की भी प्रॉब्लम आती है। कोई अहें गौरमेंट कोई भी स्कीम लैनी हो बेनीफिट बिल्कुल नहीं मिलता है। साढ़े बच्चे अजकल स्कॉलरशिप मिलती है BPL थ्रू वो नहीं ले सका दे अहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है और अस बिल्कुल गै 0 लाइन उपर रौह्ने और पिछड़े लोग हाँ अस और साढ़ा एक ग्रां जो माइग्रेंट चपरियाल हो चुके उन्हें लोगों की भी बड़ी परेशानी आती है। उन्हें तो बिल्कुल भी कोई राशन कार्ड के बिना कोई भी सुविधा जी नहीं मिली जाती है। अस चाहते हैं प्रशासन अगर इयै अपील करने कि साढ़े जल्द तो जल्द राशन कार्ड बने जान क्योंकि 99 के बाद साड़ी पंचायत गै एक छुड़की गई है जो राशन कार्ड नहीं बनी चुके हैं। अस चाहते हैं कि साढ़े जो राशन कार्ड हैं वह बने जान।
धन्यवाद। जियां तुसें दस्सिया कि राशन कार्ड काफ़ी समय होया बने दे, इस राशन कार्ड की समस्या लिए केड़े केड़े ऑफिस तुस गए? अच्छा सर, इत्थै अनुराग ठाकुर आए हे, असें उन्हें भी लैटर रिटर्न दिता हा, गवर्नर आए हे अपलाई आड़ा, असें उन्हें भी रिटर्न दिता हा, फिर साढ़े इत्थै डीसी मैम आए, अगर कोई 2 महीने होई गया, उन्हें भी असें ये चीज़ दसी ही कि साढ़े लोगों के जेहड़े राशन कार्ड नहीं हैं। मैडम ने भी असें आश्वासन दिलाया हा कि सेंसस को पहले नहीं बनने हैं, अगर सेंसस भी कंप्लीट हो चुकी है, सेंसस स्टार्ट ते कारण सेंसस गै बनो ते लोगों लगो कि राशन कार्ड बन गए। असें भी हूँ सरपंच बने, साढ़े भी 5 साल कंप्लीट होने आड़े न, असें भी तो लोगों अगर इे आखिया कि तुझे राशन कार्ड बनागे, अस ये लोगों की डिमांड नहीं पूरी कर सके हाँ, तो अस चाहते हैं कि अगर साढ़े टाइम पीरियड से राशन कार्ड बनी जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं प्रशासन अगर ये अपील करनी हाँ कि जी सेंसस करवानी और जल्द तो जल्द करवाइए, 2-4 महीने के अंदर लोगों की राशन कार्ड दिते जान। धन्यवाद। जियां कि इंदा आखना हा कि असें जल्दी कोला जल्दी राशन कार्ड नमें बनाइए दिते जान, क्योंकि असें बड़ी सारी मुसीबतें का सामना करना पवा दा, और भी साढ़े कन्नै किश लोकल लोग जुड़े ने इंदे ग्रां दे, गल करके केह् परेशानी आवें तुसें राशन कार्ड दी? राशन कार्ड माए केह् बनाना होऐ ते असें कन्नै डोमिसाइल बनाना, तां असें राशन कार्ड कापी लैनो, कोई भी समझे कोई भी असें कोई समझे कागज बनाना होऐ असें राशन कार्ड लैनो, राशन कार्ड असें कुत्थै लैचा, अगर राशन कार्ड नेईं 22 साल होए साढ़े ब्याह होए दे, असें राशन कार्ड लभदा गै नहीं ऐ, ओह्दे बाद कन्नै कि जित्थे भी जन्ने बैंक जन्ने उत्थे भी कौन खाता, अस राशन कार्ड लिया राशन कार्ड नहीं है फिर और बाकी भाई इ जियां कि इंदा आखना है कि अहें दी राशन कार्ड के लिए बड़ी समस्या हुई, और भी साढ़े कन्नै किश लोग जुड़े ने उंदे कन्नै गल करके, सर केह् परेशानी आवदी? परेशानी इ सर कुंबे बड़े होई गए, 5-6 जीव गए, अगुं टब्बर भी होई गए, ब्याह भी इतने सब कुछ, लेकिन अज तक राशन कार्ड नहीं बने हैं, राशन कार्ड की असें बड़ी दिक्कत आवदी, दिक्कत इ'यां कि अगर राशन कार्ड आंदा तां फिर आपूं बिच्चें भ्राएं दी लड़ाई भी लगदी, ओह् आखदा मैं अद्धा देओ बंडी देओ जे करो, ओह् आखदा पिछली बार तू लैता ते अगली बार भी मैं लैंगा, बड़ी परेशानी आवा दी, हम जो 5-6 25-26 हम जो एक राशन कार्ड पर अजीब होइए दिनों, तो ये कोला ज़्यादा समस्या की हम जो 99 के बाद नहीं बने हैं। जियां कि इंदा आखना है कि राशन कार्ड के लिए अहें बड़ी परेशानी आवे, साढ़े एक राशन कार्ड पर 25-26 घर के मेंबर ऐड न, और भी साढ़े कन्नै किश लोग जुड़े ना उंदे कन्नै भी गल करने आ, सर जियां इन्हें आखिया कि राशन कार्ड के लिए अहें समस्या होइयां, केड़ी-केड़ी समस्या में केड़ी-केड़ी स्कीमां जिंदे बेनीफिट नहीं ले पा रहे तुस? इ आखा दे भाई राशन कार्ड जेहड़े बनने चाहिए जल्दी को जल्दी बनने चाहिए, हूँ अस आप खुद खुद 10-12 जीवों गल करा रहे हैं, तो राशन कार्ड इक्कै हिसाब लाओ कि वो कि गुजारा करके इस हिसाब से चलो हिसाब लाओ, तो इस हिसाब होने चाहिए ने, मतलब बिल्कुल इन चलो आखते मतलब बिने कोई कोई नहीं है। जियां कि इंदा आखना हा कि राशन कार्ड साढ़े काफ़ी समय होए ने बने दे, जेहड़े साढ़े राशन कार्ड पहला बने हे अज उस राशन कार्ड टावर गए, जेहड़े साढ़े बच्चे ने उंदे ब्याह भी होइए दे अगर बच्चे भी होइए दे, ते वो सारे जीव इक्कै राशन कार्ड पर चढ़े ने, इंदी डिमांड है कि जल्द कोला जल्द नमें राशन कार्ड बनाए जान, हुण दिखना है कि सरकार कोले तक इंदी लोकें दी डिमांड पूरी करदी है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह अखनूर।